हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ जीएसटी ऑडिटर। तो गाइस, सरकार के द्वारा एक बार फिर सीजीएसटी रूल में चेंजेज किया गया है। इस अमेंडमेंट के द्वारा अब रूल 36(4) में बड़ा बदलाव किया गया है। अभी तक यदि आपके सप्लायर्स ने आपके इनवॉइस की डिटेल्स को GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में फर्निश नहीं किया, फिर भी आप रूल 36(4) के अंतर्गत एलिजिबल ITC से 5% एक्स्ट्रा ITC अवेल कर रहे थे। लेकिन 1 जनवरी 2022 से रूल 36(4) को चेंज कर दिया गया है। तो गाइज, हम लोग एक बार इस चेंजेज को देखते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो भाई साहब, नोटिफिकेशन नंबर 40/2021 के माध्यम से रूल 36(4) को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और अमेंडेड रूल 36(4) में कहा गया है कि अब आप उसी इनवॉइस या डेबिट नोट के अगेंस्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने GSTR 3B में अवेल कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स को आपके सप्लायर्स ने GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में फर्निश कर दिया है और वह इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके GSTR 2B में शो हो रहा है। तो भाई साहब, इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर आपका सप्लायर्स GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल नहीं करता है, या GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में आपके द्वारा परचेज किए गए गुड्स के इनवॉइस के डिटेल्स को नहीं दिखाता है, तो आप ITC के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मान लीजिए कि आपने एक सप्लायर से 5 इनवॉइस के द्वारा ₹5,000 टैक्स पे करते हुए गुड्स परचेज किया। उस सप्लायर ने GSTR 1 फाइल करते समय केवल 4 इनवॉइस का डिटेल्स फर्निश किया, जिसके थ्रू आपको 4,000 का ITC GSTR 2B में शो हो रहा है। तो आप केवल ₹4,000 तक ही ITC अपने GSTR 3B में अवेल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अवेल करने पर अब आपको इंटरेस्ट के साथ पेनाल्टी भी पे करना पड़ सकता है। तो गाइस, नए साल के शुरुआत से ही GST में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए परेशानियां शुरू हो गई है। फ्रेंड्स, इस रूल 36(4) से बचने का एक तरीका यह है कि आप अपने सप्लायर से लगातार कॉन्टेक्ट में रहें और उसे इंसिस्ट करें कि वह टाइमली GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल करे और आपके इनवॉइस के डिटेल्स को उसमें शामिल करें। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।